ये वो जगह है जहाँ पर बच्चे जो है ना छोड़ने आते हैं अपने दोस्तों को, अपनी फैमिलीज के अपने फैमिलीज के साथ नहीं, अपने दोस्तों को भाई, अपने दोस्तों को तो अपने फैमिलीज को छोड़ने आते हैं, फैमिलीज को छोड़ने आते हैं। तो उनके हाथों में बैग होते हैं, किताबें होती हैं, कलम होते हैं, और इसके साथ जो है ना वो बाइज्जत तरीके से उम्मीद और दुआ है कि आप तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे फॉलोअर सब्सक्राइबर जहां भी हो खुश होंगे। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर देते हैं कि आज हमारा है थर्ड पेपर और इसीलिए हम आए हैं नमल यूनिवर्सिटी में। तो अभी जल्दी से चलते हैं पेपर देने के लिए, बट इससे पहले आपको पता है कि मैं रोज आता हूँ हॉस्टल में ताकि मैं थोड़ी बहुत जो है ना तैयारी कर सकूं और लास्ट जो 30 मिनट्स है उसको ज़्यादा अच्छे अंदाज में कंज्यूम करने की कोशिश करूं। तो जल्दी से यहां पर जाते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर देते हैं भाई, अच्छी तैयारी कर लेते हैं। तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब ताकि आप तक पहुँच जाए हर हमारी वीडियो। दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहे। यार तुम पेपर की तैयारी करो क्यों लेटे हो तुम, हैं उठो, क्या हुआ है, हुआ क्या है तुम्हें, सर्दी लग रही है? तो जी हम आ गए हैं क्लास में और मैंने अपनी जगह यहाँ पे संभाल ली है। तो ये अब्बासी जी ने जगह संभाल ली। अब्बासी जी आप यार जल्दी जल्दी क्यों आते हैं आप, यहाँ पर पीछे क्यों आना चाहते हैं? पीछे नहीं आना चाहते, बस हमें ये है कि आगे हीटर ज्यादा लगा, उसकी तपिश तेज होती है ना, इसलिए हम पीछे बैठा जाते हैं। तपिश से क्या हो, सर्दी है ना वैसे भी, तपिश से भूल भी जाते हैं। यहाँ पे दीवार भी क्या लिखा है, आप दोबारा रंग मरवाने की जरूरत है पूरी यूनिवर्सिटी को, ये वजह से बहुत खराब है सारी। इधर क्या लिखा है आपने, इधर क्या लिखा है? मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं इन चीज़ों में सारी नहीं करता। मोबाइल को हम जो है अपने बैग में डाल देते हैं ताकि नकल का केस ना हो जाए भाई हमारे ऊपर, क्लोज कर लेते हैं। तो जी गाइस फाइनली हमारा थर्ड पेपर भी ख़त्म हो गया है और साथ साथ भाई अभी जो है ना धुंध के ढेरे भी जमने शुरू हो गए हैं। तो इस्लामाबाद में भाई वेदर बहुत ही ज़्यादा इस वक्त कूल है, कूल बट क्या करें भाई, इसका अपना मज़ा है इस वेदर का। अभी जाऊंगा यहाँ से कंटीन, यहाँ पे मुझे दोस्त बुला रहे हैं तो उनसे भी मुलाकात नहीं हुई, काफ़ी अरसा हो गया है। आप बताएगा कि आपके इलाके में जहाँ जहाँ से आप मुझे ब्लॉक में देख रहे हैं वहाँ पर सर्दी की क्या सिचुएशन है, आप सर्दी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब कि ये स्वेटर और कोट के अलावा क्या चीज़ें खा रहे हैं और किस है आप जो है ना सर्दी को इंजॉय कर रहे हैं? और ये भाई जो है ना इनका लगता है पेपर अच्छा हुआ, बढ़ गया नहीं यार पेपर तो बढ़ गया। किस चीज़ का था? स्टैट्स का था यार, वो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल पेपर है यार। तो आपने क्या किया, आपने कोई बूटी छुट्टी नहीं ले आए थे? मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाए दिखाए यार, बड़े गंदे बंदे हो यार। तो ये देखे भाई, ये इस तरह से ना भाई मैं शायद इस तरह कभी कभार बनाता हूँ, मतलब हेडिंग लिख के ले आते हैं ना शुरू बंदा। ये देखो भाई ये टेक्निक्स होते हैं और इसी तरह के टेक्निक से लेकर है ना, टेक्निक्स नहीं है पूरे पूरे भाई, ये मैंने लेक्चर लिखे हुए हैं, पूरे पूरे लेक्चर इसी में, इसे छोटे छोटे इसमें आ गया सारा। ओ भाई ये जो है ना ये टैलेंट है, ये टैलेंट है, लेवल किस्म का टैलेंट है जो सिर्फ मेरे पास है, आपके पास है। तो आपका पेपर तो अच्छा हो गया भाई? नहीं पेपर अच्छा हुआ यार, आज लग नहीं सकी यार बूटी रोला। चलो बेस्ट ऑफ लक। ओके कैसर नाम है ना तुम्हारा? हाँ जानते हो। तो देखे जी ऐसे टोटके छोटके भी ये लेके आते हैं, अच्छा होता है कि चलो आपको अगर सारे आपने आपको भूले सहने से निकल गया है तो थोड़ा थोड़ा आप देख के पूरा पूरा लिख सकते हैं। तो अभी मुझे कॉलें आ रही है भाई, मैं चलता हूँ कैंटीन की तरफ और इसके बाद निकलते हैं भाई। सर्दी में आप व्लॉग्स व्लॉग नहीं बना सकते आजकल भाई, व्लॉग्स हमारे बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं और फिर भी हमारे दोस्त मुझे बहुत ज़्यादा पूछते हैं यार आजकल तुम व्लॉग नहीं बना रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें, अचानक तुमने जो वादा किया था कि रोज़ व्लॉग बनाओगे। तो भाई पेपर्स हो रहे हैं, अगर पेपर्स के दौरान हम डेली व्लॉगिंग करते रहे ना तो हमारा पेपर अगले दिन ही बढ़ जाएगा, और पेपर अगर हमारा अगर बढ़ जाए ना तो फिर आपको समर भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पर और सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे, तो ऐसा मैं करने वाला नहीं। तो जी गाइस फाइनली हमारा पेपर हो गया है ख़त्म, बेड़ा गरक भी हो गया भी बताओ, पेपर बड़ा गरक हो गया भाई इन लोगों का, मेरा तो नहीं हुआ भाई, मैं रोज़ पढ़ता हूँ भाई, मैं रात भर जागता रहता हूँ और सुबह नमाज के बाद जब मैं पेपर की तैयारी करता हूँ तो ये बंदे मुझे लिंक भेजते हैं भाई। क्या बेचता हूँ? लिंक बेचते, लिंक इंस्टाग्राम पे, तो पहले ये बंदा लिंक बेचता था भैया, मैं अच्छे अच्छे लिंक्स, मैं तो अच्छी अच्छी रील्स बेचता हूँ ना। अच्छा ये साजिद की ड्यूटीज से संभाल ली है जो साजिद बेचता था, जिस तरह से वो 3 idiots में बंदा जो नहीं करता था कमरों के नीचे से मैगजीन बेचते थे, ये बंदा हम इस तरह लिंक बेचते ताकि बंदा पढ़े ना। तो गाइस ये इनकी जो स्टोरी है ना ये बड़ी अजीब सी स्टोरी है, जब ये फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे मुझे याद है आज भी, ये बंदा ना अपने जो बंदे हैं हाँ ये अपने अपनी हाँ। जो चेयर है ना वो करीब करते थे, करीब करीब अल्लाह का वास्ता करीब करते थे, मुझे कहते थे पिंडी वाले, ये सही बात कर रहे हो ना यार, इसकी जो कारनामे ना फर्स्ट सेमेस्टर से आप तक यार ये बच्चा बंदा बन गया, क्योंकि 7 semesters गुजर गए हैं आप। अब मैं अब तुम्हारी तरह नहीं रहा ना, तो अब ये छोड़ो, इस बंदे ने जो लांजा किया है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ,
इसने जो है ना स्टेटस लगवा के बहुत बड़ा तो ये नमल का जो है माल रोट है भाई, माल रोट है और माल रोट पे ब्यूटी तो नहीं है यार, कोई ब्यूटी ज्यूटी नहीं है, कोई क्या ब्यूटी। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? बस साइड पे अभी हम फेट जाएंगे बस यार, उसके बाद मैं इस चौकट पे कभी नहीं आऊंगा। चौकट बड़ा तुम्हें तो भाई, हम रिजवान भाई जब पारो की याद आएगी तब आओ। हम रिजवान भाई को बड़े मिस कर रहे हैं भाई। रिजवान भाई हमारे मैनेजर है प्रेस पॉइंट के, कैसर अब्बास के, और रिजवान भाई भाई बड़ा हमसे ऑस्ट्रेलिया में। हाँ हाँ हाँ, वो जो तुम्हारा दोस्त था रिजवान को हम दिल की गहराई से सलाम करते हैं। ओए होए होए, सीखो कुछ उससे, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है उधर, पता है तुम्हें? किसने? रिजवान ने, दबा खोला है भाई। आज बहुत ज्यादा सर्दी है, हम इसीलिए ना बस में जाएंगे। सही है कैसर, ठीक है ना, फ्री में बस में जाएंगे आज हम। घर जाएंगे, उधर जाएंगे भाई। ये वो जगह है जहाँ पर बच्चे जो है ना छोड़ने आते हैं अपने दोस्तों को, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने फैमिलीज के साथ नहीं, अपने दोस्तों को भाई, अपने दोस्तों को, तो अपने फैमिलीज को छोड़ने आते हैं, फैमिलीज को छोड़ने आते हैं तो उनके हाथों में बैग होते हैं, किताबें होती हैं, कलम होते हैं, और इसके साथ जो है ना वो रुखसत दरवाजे तक रुखसत। इसके बाद जो इस जैसे दोस्त है ना वो आके भाई से मिल रहे होते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो तुम? पहले उसको नजर नहीं आ रहा था कि वो बंदा इधर है खड़ा है। ये मेरे साथ इसलिए फिर रहे क्योंकि इनके साथ तो कोई है नहीं। तो तेरे साथ तो बड़ी है ना। तो भाई मुझे तो शौक नहीं है ना भाई, मैं तो तुम लोगों की आवाज़ सुन, मैं ना करें आप भाई, मैं तो तुम लोगों की आवाज़ सुना, तुम लोगों के दर्द दिल सुनाता रहता हूँ, लोगों को फिर आता रहता हूँ। तुम्हारा अंदर का कोई मटेरियल चेंज है क्या, मतलब क्या है तुम्हारा? ये देखे इनका दर्द दिल के पीछे ही खड़ा क्या? तो गाइस चंद हमारे सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स हैं जो डेली व्लॉग्स देखते हैं और मुझे कह रहे थे कि काफ़ी अरसे से भाई हमारे चैनल्स के भी नाम लो, प्रमोट करो। तो मैंने कहा भाई उसका इतना ज़्यादा अच्छा असर तो नहीं होता, मगर फिर भी मैं नाम ले रहा हूँ। ये है भाई, ये यूनुस व्लॉग है, तो यूनुस व्लॉग का आप ये नज़र आ रहे हैं, इनको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ में अदन आर्टिस्ट है जो कि पेंटिंग वगैरह करती है, उन्होंने भी मुझे कहा था कि उनके चैनल को भी आप लोग जाया करें, सब्सक्राइब वगैरह कीजिए। और एक और चैनल है डॉक्टर मेमुनस, पता नहीं मुश्किल नाम है उनके नाम से है, तो उनका पेज है फेसबुक का मेमुना, नहीं उसका मेमुनस है, पता नहीं यार अजीब सा है। तो भाई उस पे भी आप लोग जाके विजिट कीजिएगा, और आप लोग उनकी भी अगर चाहते हैं कि नाम शाम आए इस तरह हम अगर मेंशन करें तो आप लोग भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि हमारी कोशिश होती है कि एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इस डिजिटलाइज दौर में आगे बढ़े। तो चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में भी अपना बता दीजिए, ताकि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। फाइनली भाई मैं पहुंच गया हूं घर में, और ये इस बंदे की जिम्मेदारी है कि ये रोज जो है ना मेरा दरवाज़ा खोले, और ये लगा क्या कर रहे हो? ये दरवाज़ा बंद बंद कर रहे हो, तो तुम्हारी ड्यूटी क्या है रोज़? दरवाज़ा बंद करना और खोलना। हैं, खोलेंगे ना तरतीब से? खोलेंगे।